नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरण प्रेमियों, आज के इस वीडियो में ना मैंने सोचा एक अलग से हटके मुट्टे पर वीडियो बना लेता हूं, और वो ये है कि भारत के यूट्यूबर्स की हिस्ट्री और कोरिया के यूट्यूबर्स की हिस्ट्री के बीच में अंतर के बारे में। जैसे कि मैं सन 2013 या फिर 2014 से यूट्यूब को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि 2014 में यूट्यूब शायद उतना फेमस प्लेटफॉर्म नहीं था। क्लास में सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे यूट्यूब के बारे में जानते थे, और फिर जो जानते भी थे वो यूट्यूब के कुछ कम वीडियोज देखते थे। यानी कि अगर कोई गाना रिलीज हो जाता या फिर अगर कोई सीरियल रिलीज हो जाता तो उसका छोटा सा क्लिप या फिर उसका म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज हो जाता था, तो हम सिर्फ यूट्यूब को वो देखने के लिए मकसद से इस्तेमाल करते थे। लेकिन सन 2015 से भारत और कोरिया और फिर पूरे दुनिया में यूट्यूब प्लेटफॉर्म को काफी बढ़ावा मिलने लगा, और फिर हर देश में अलग अलग प्रकार के क्रिएटर्स यूट्यूब के सामने आने लगे, जिसने अपने देश के हिसाब से अपने अलग अलग कल्चर को मिलाकर अपना अलग सा वीडियो पेश किया और अपने देश में फेमस हो गए। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं तब से करने वाले अपने अनुसंधान के आधार पर भारत के यूट्यूब के हिस्ट्री और कोरिया के यूट्यूब के हिस्ट्री और दोनों देशों के यूट्यूब के माहौल के बीच में मुख्य रूप से किस तरह के अंतर देखने को पाया जाता है, मैं इस पर विवरण देने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी फुटफाट के। देखो, सबसे पहले भारत में अगर YouTube के इतिहास की बात कर ली जाए तो एक बंदे का नाम जरूर आ जाता है, और वो है अजय नगर उर्फ कैरी मिनाटी। यानी कि भारत के YouTube के इतिहास को कैरी मिनाटी के आने से पहले और कैरी मिनाटी के आने के बाद, इन दोनों युग के बीच में बांट दिया जाए तो ज्यादा गलत नहीं होगा। जैसे 2014 या 2015 में हमारे मिनाटी भाई ने भारत में सबसे पहले रोस्टिंग कल्चर का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्ट करके भारत के यूट्यूब संसार में जो सेंसेशन, जो तहलका मचाया है, उसको भारत के यूट्यूब इतिहास का एक सबसे बड़ा इतिहास कह सकते हैं। और उसी समय यानी जब 2014-15 में भारत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे मिनाटी भाई का रोस्टिंग कंटेंट लोगों के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे थे, तब हमारे कोरिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा कंटेंट काफी ज्यादा उभर कर आने लगा। उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि एक बंदा आता है और फिर लोगों से कमेंट के द्वारा एक अलग अलग मुश्किल सा टास्क लेते हैं, जिसको करने का बहुत डिफिकल्ट होता है और फिर जिसको करने में बहुत शर्म आती है। लेकिन अगर उस यूट्यूबर ने अपने वीडियो के माध्यम से वो कंटेंट पूरा करके दिखाया, यानी कि लोगों का दिया हुआ वो टास्क पूरा करके दिखाया, तो लोग उसको डोनेशन देंगे या फिर उस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। इस तरह के वीडियो 2015 से लेकर 2016 तक कोरिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एक फील्ड पर अगर कोई एक या दो बंदे सक्सेस हो जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर दो बंदों की सक्सेस देखने के बाद बहुत सारे लोग उस वीडियो को यानी कि उनके स्टाइल को कॉपी करके यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे, तो यूट्यूब पर उस कंटेंट की भरमार हो जाती है। जैसे कि मिनाटी भाई के आने के बाद बहुत सारे ऐसे रोस्टर आए जो खुद को रोस्टर बताते थे, और फिर कैरी मिनाटी भाई के स्टाइल को कॉपी करके रोस्ट करने वाले कंटेंट यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। और ठीक वैसे ही कोरिया में भी 2016 और 2017 में ऐसे बहुत सारे कंटेंटर आए कि उन दोनों क्रिएटर्स को फॉलो करके मैं भी टास्क लूंगा, यार मैं भी ऐसे शर्मनाक हरकत करूंगा। नहीं नहीं, तुम तुम्हारी हरकत को शर्मनाक नहीं कह सकता, इसको तमीज वाली हरकत कहते हैं। मैं ज्यादा शर्मनाक हरकत करूंगा, वो भी पब्लिक प्लेस पे। इस तरह से लेकर काफी सामाजिक सुर्खियों में भी आ गया था। और जो लोग 2015 से इंडियन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको एक घटना अभी भी याद होगी, और वो यह है कैरी मिनाटी और अमीर सिद्दीकी के बीच हुई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई। आखिरकार जीत तो मिनाटी भाई की हुई, लेकिन मिनाटी भाई को भी उसके चलते अपना एक वीडियो गंवाना पड़ा। वैसे ही होता है कि जब कोई मतलब एक प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग अगर एक साथ मिल जाते हैं तो दो लोगों के बीच में लड़ाई होना जायज है। जैसे भारत में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक को लेकर काफी घमासान भारत के यूट्यूब पर झगड़ा हुआ, और उस पर ऐसे ऐसे वीडियोस बन गए कि अभी तक मैंने गिनकर देखा कि हजार संख्या में उस एक बात को लेकर भारत के YouTube चैनल पर वीडियो बन गए। ठीक वैसे ही कोरिया के YouTube पे सन 2017 में एक
पुराने क्रिएटर जो पुराने से टास्क लेकर आता था और फिर एक नया क्रिएटर जिसको यूट्यूब पे इस फील्ड पर आए हुए लगभग एक से मुश्किल से 8 महीने हुए थे, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। लेकिन भारत और कोरिया के यूट्यूब कल्चर का एक डिफरेंस आप लोगों को समझा देता हूं कि जैसे कैरी मिनाटी के इंट्रोडक्शन के बाद भारत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रोस्टिंग कल्चर एक कॉमन कल्चर है, इसलिए जैसे भारत में रोस्टिंग कल्चर फेमस है वैसे कोरिया में रोस्टिंग कल्चर नाम की चीज तो है ही नहीं, तो लोग अपनी बातों से अपनी वीडियो के माध्यम से तो लड़ नहीं सकते। तो यहां तक सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि अगर बातों से वीडियो से नहीं लड़ सकते रोस्टेड की तरह तो कैसे लड़ेंगे। देखो लड़ाई तो ऐसे हुई कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के खुद घर चला गया और फिर घर जाने के बाद घर का दरवाजा तोड़ा और फिर उसको कैमरा के सामने तोड़ा और फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली ये वीडियो आधे हद तक स्क्रिप्ट था। वैसे आप लोगों को भी पता है कि यूट्यूबर्स के बीच में ना ऐसी बहुत भाव चलती रहती है कि कल का दुश्मन आज का दोस्त होता है और आज का दोस्त का दुश्मन बन जाता है। वैसे कल्चर भारत और कोरिया दोनों देशों के यूट्यूब पे कॉमन देखने को मिलता है और फिर उसके बाद दोनों देशों में एक कॉमन टॉपिक उभर कर सामने आ गया और वो ये है प्रैंक। आप लोगों को भी पता होगा कि 2017 और 2019 तक भारत के इतने सारे विभिन्न प्रकार के प्रैंक चैनल खोले और उसमें लाखों में व्यूज नहीं आते थे, किसी चैनल में करोड़ों व्यूज आते थे। कम से कम कोई भी वीडियो बनाए ना, दिल्ली के सीपी में ज्यादातर वीडियो बनता था, कोई भी वीडियो बनाए तो उसमें लगभग 1 लाख से लेकर 10 लाख व्यूज तो लाजमी आते ही थे। ठीक वैसे ही कोरिया में भी बहुत सारे प्रैंक चैनल खोल गए, विभिन्न तरह के प्रैंक होने लगे। लेकिन दोनों देशों के प्रैंक चैनल को लेकर मैं एक डिफरेंस ये समझाना चाहता हूं कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो भारत में प्रैंक का ट्रेंड काफी खत्म हो गया है। मैंने परसों उन चैनल पर वापस जाके देखा कि जिस एक टाइम पे उन चैनल के लाखों में मिलियंस में व्यूज आते थे, आज उनके चैनल में 1000-10000 व्यूज आते हैं। लेकिन कोरिया में प्रैंक का ट्रेंड अभी भी चल रहा है और उन चैनल में यानी कि जो 2018-2019 में ग्रो हुए हैं उनके प्रैंक वीडियो पर अभी भी लाखों मिलियंस में व्यूज आते हैं। और अभी के टाइम पे भारत में काफी मशहूर चैनल का कैटेगरी है टेक कैटेगरी। जैसे कि आपको पता है कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, अनगिनत आबादी कह सकते हैं, इसलिए उस अनगिनत आबादी में बहुत सारे लोग आज भी यूट्यूबर बनने के सपने में नए यूट्यूब चैनल खोलते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग अलग टेक से मतलब टेक कैटेगरी से आइडिया लेने की जरूरत पड़ती ही है। वैसे कोरिया में भी टेक कैटेगरी 2 साल पहले काफी लोकप्रिय हुई थी। 2 साल पहले कोरिया में भी यूट्यूबर बनने का काफी क्रेज नहीं समाज में छाया था, काफी लोगों ने अपना यूट्यूब अकाउंट खोल लिया और उस टाइम पे ऐसे 3 कोरिया के YouTube टेक कैटेगरी चैनल थे, जैसे कि भारत में टेक्निकल योगी, मानुष दे और टेक्निकल इसरार, जो कि भारत के 3 टेक्निकल सितारे हैं। इनके तरह 3 टेक्निकल चैनल कोरिया में काफी मशहूर थे। लेकिन आज कोरिया में यूट्यूबर बनने का थोड़ा जो क्रेजनेस है पहले से काफी ठंडा पड़ गया, इसलिए कोरिया में टेक कैटेगरी अभी लगभग 1.5 हो चुका है। लेकिन आप लोग अभी भी देख सकते हो कि मानुष दे और टेक्निकल योगी सर के वीडियोस पे मतलब टेक कैटेगरी पे अभी भी बहुत लाखों में कभी कभी करोड़ों में व्यूज आते हैं और फिर अभी भी कई सारे भारत के युवा टेक कैटेगरी चैनल खोल रहे हैं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमेशा की तरह एक नई इंफॉर्मेशन मिल गई होगी मेरे वीडियो के माध्यम से। आज मैंने थोड़ा अलग मुद्दे पर बात किया, भारत के यूट्यूब का माहौल और कोरिया के यूट्यूब के माहौल, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। सीख एक ओ सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।